हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन शावरमा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन शावरमा बनाना। ये चिकन हमने लिया है हाफ के जी। इसे सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गाढ़ा जमा हुआ दही, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा रखिएगा। 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ऑप्शनल है, इसको आप डालेंगे तो इससे कलर अच्छा आता है। 1/2 टी स्पून गरम मसालों का पाउडर, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 नींबू का रस डालेंगे और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें ऑयल। और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि बाय मिस्टेक वीडियो में स्किप हो गया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप इसे एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ानों में टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो जो काम जितने आसान हो जाए उतना अच्छा है। एक दिन पहले भी मैरिनेट कर लेंगे तो चिकन हमारा और अच्छा मैरिनेट हो जाएगा और अंदर से जूसी और टेंडर हो जाएगा। मसाले हमारे खूब अच्छे से जानदार से मज़ेदार से मिक्स हो गए हैं। चिकन हमारा बहुत खुश सा लग रहा है और अब इसे हम रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए 1/2 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। आइए अब हम मेयो सॉस या ताहिनी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है सफ़ेद तेल, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मेयोनीज, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन लिया है, इसकी जगह आप 2 लहसुन की जवे भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं और जो नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून डालेंगे चीनी, 1 टेबल स्पून इसमें दूध डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद सिरका, और बस अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मेयो सॉस हमारा बन के तैयार हो गया है और इसको भी हम बाउल में खाली कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मेयो सॉस बन के रेडी है और अब इसको भी एक साइड में रख देंगे। और अब आइए हम फटाफट से रेड सॉस तैयार कर लेते हैं अपने चिकन शावरमा के लिए। तो हमने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और ये 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको हमने भिगा दिया था 1/2 घंटे पहले और ये भीग गई हैं, इस तरह मोटी मोटी फूल गई हैं। अगर आप भिगाना भूल गए हैं तो आप थोड़े से पानी के साथ इसे पका भी सकते हैं। तो ये मिर्चें भी इसी में डाल देंगे और जिस पानी में भिगाया था वो भी इसी में डाल देंगे। एक छोटे साइज की प्याज लिया है, इसे काट लिया है, डाल देंगे। 1/2 टी स्पून डालेंगे सफ़ेद सिरका, 1/2 टी स्पून नींबू का रस, 1/4 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून ऑयल, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ज़रूर डालिएगा, और अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहे और स्किप करना चाहे टोमेटो केचप तो मत डालिएगा। और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। हमारा रेड सॉस बनके तैयार हो गया और अभी से भी हम बाउल में खाली कर लेते हैं, इसको भी एक साइड में रख देंगे। और एक फटाफट सा हम सैलेड तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगा सा। तो ये हमने ले लिया है 1/2 पत्ता गोभी है, ये करीब हमारा 1.5 कप होगा, तो एकदम महीन महीन इसको हमने शेड कर लिया है, बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और हमने कुछ ले लिया है रंग बिरंगी सी सब्जियां, एक हमने ये मीडियम साइज का प्याज ले लिया है जिसको बिल्कुल महीन महीन काट लिया है, डाल देंगे। एक टमाटर लिया है जिसके बीजों को निकाल दिया और ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये हमने मीडियम साइज का टमाटर लिया है। 1/2 हमने शिमला मिर्च लिया है जिसको ऐसे महीन महीन काट लिया है, इसके भी बीजे हमने हटा दिए, बिल्कुल महीन महीन पतले पतले पीसेस में कट किया है, डाल देंगे इसी में। एक खीरा हमने लिया है जिसको ऐसे महीन महीन काट लिया है, खीरे में हमारे बीजे नहीं है, बीजे वो तो आप हटा दीजिएगा, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 नींबू का रस डालेंगे। और एक हमने गाजर ले ली, इसको भी ऐसे महीन महीन बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा सैलेड तैयार हो गया है, इसको भी एक साइड में रख देंगे। कढ़ाई में चढ़ा लिए और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और अपने मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल देंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये चिकन हमारा गल नहीं जाता और पानी इसका पूरा सूख नहीं जाता। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है, तो इसका ढक्कन लगा देंगे और चिकन के गल जाने तक पका देंगे। चिकन हमारा ड्राई हो गया है और ये अच्छे से गल भी चुका है, लेकिन अभी इसे हमें और थोड़ा भून लेना है। इसमें जो मसाले और ऑयल है, इन्हीं मसालों और ऑयल में हमारे चिकन जो है इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। चिकन बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसालों के साथ ये बहुत अच्छे से भून गया है, और गैस को हम टर्न ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो आइए अभी इसके पीसेस कट कर लेते हैं।
ऐसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे चिकन को। चिकन के पीसेस अच्छे से चॉप हो गए और अब इन्हें एक प्लेट में खाली कर देंगे। हमारा चिकन बहुत ही मज़ेदार से चॉप हुआ है और आइए अब चलिए अपने शावरमा को असेंबल करते हैं। सारी चीज़ें रेडी है। ये शावरमा के लिए सैलेड, टेजिकी सॉस, ताहिनी सॉस, रेड सॉस, चिकन और पीटा ब्रेड। आइए चलिए अपने चिकन शावरमा को असेंबल करते हैं। पैन में हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और अपनी सिकी हुई पीटा ब्रेड को फिर से सेक लेंगे, क्योंकि सिकी तो ये ऑलरेडी है, बस इसको हल्का सा हमें गर्म करना है ताकि इसको हम असेंबल करें और गर्मा गर्म सर्व कर सकें। दोनों साइडों से सेक लेंगे। बहुत मामूली सा ना के बराबर ही हमें ऑयल अप्लाई करना है। तो ये हमने अपनी पीटा ब्रेड रख ली और अब इसके ऊपर लगाएंगे टेजिकी सॉस। रेड सॉस लगाएंगे, सैलेड डालेंगे थोड़ा सा, सैलेड सॉस चिकन सबकी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस पे चिकन लगाएंगे, चिकन आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे रेड सॉस और अपना शावरमा स्पेशल ताहिनी सॉस डालेंगे। अगर आप शावरमा बना रहे हैं तो ये सॉसेस ज़रूर बनाइए, क्योंकि इन्हीं से शावरमा का असली टेस्ट आता है। अपने शावरमा को रैप कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन शावरमा अरेबिक स्टाइल में बनके तैयार है। सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए और लोगों से तारीफें पाइए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।